हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आज के फिर से एक नई वीडियो में। मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ पोको C31 फोन के बारे में गाइस। और आज का जो अपना टॉपिक है होने वाला है प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड के बारे में। आज अपन बात करने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगा इसकी आप अपने फ़ोन में किस प्रकार से प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड को यूज़ कर पाएंगे एंड आपको इसको कैसे ऑन करना है, कौन सी सेटिंग में आपको जाना है। चलिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। मैं आप हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अपन चलते हैं इस फोन की सेटिंग में और बात करते हैं इसके टॉपिक के बारे में। सिंपली देखिए, देखो सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको देखिए गाइस प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड का ऑप्शन मिल जाएगा अदर पासवर्ड में। आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेटिंग को आपको ऑन करना है नोटिफिकेशन को। और यहाँ पे आपने जो भी अपने फ़ोन में पासवर्ड डाला था आपके स्क्रीन में, तो आप इसको यहाँ पे डाल लीजिए और आपके फ़ोन में प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने फ़ोन में प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड को यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको ये कब काम आएगा गाइज, ये आपके फ़ोन में जब आप अपने फ़ोन का जो प्राइवेसी प्रोटेक्शन पासवर्ड भूल जाएंगे सामने की स्क्रीन लॉक का, तब आपके फ़ोन में ये वाला काम आएगा। सेटिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।